हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की टेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की टेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ कि सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी वैल्यू होती है और हम उससे किस तरीके से अपना सीएसएस में अपना वर्क कर सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 12 नंबर की क्लास है, तो जैसे हम अभी तक करते आए, आज नया पेज लेके 12.html से मैं सेव एज कर लूंगा सेम फोल्डर में। देन डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर आज मैं क्या क्या बताने वाला हूँ वो आपको नोट में लिख देता हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करें। इसके अंदर मैं सबसे पहले 12.html से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको पेज को सेव एज कर रहा हूँ। लोकेशन वही है, डेस्कटॉप में html सीएसएस फोल्डर उसमें बनाया हुआ है मैंने, तो 12.html पेज को सेव एज कर दिया। देन थोड़ा पेज को जूम आउट कर लेता हूँ आपको, जिससे थोड़ा और क्लियर दिख जाए। html बेसिक टैग लगा देते हैं, हेड, और हेड के अंदर टाइटल, टाइटल में बेसिकली हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। डिस्प्ले सीएसएस डिस्प्ले लिख देते हैं। सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज और बेसिकली टाइटल टैग बंद कर दिया, उसके बाद हेड क्लोज हो गया और उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट करके अपना वर्क हम स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज यूज होती है, उसका कैसे यूज है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करें गाइस। इसके अंदर आपका लाइक डिस्प्ले में पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ जो जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, आपका जो होता है डिस्प्ले नन वैल्यू होगी, ये नन बेसिकली कैसे काम करती है वो दिखाऊंगा आपको। दूसरी होगी आपकी डिस्प्ले ब्लॉक। देन थर्ड पे हम पढ़ेंगे डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। और फोर्थ पे मैं आपको बताऊंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जो बेसिकली इनलाइन और ब्लॉक से मिलके बना हुआ है, वो प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, काफी यूज होता है इनका, ये प्रॉपर्टी है। देन आपकी इसके एक और सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, बट वो डिस्प्ले की नहीं होती, बट इसके साथ ही मैं आपको गाइस बता दूंगा, जिसको हम विजिबिलिटी हिडन बोलते हैं, विजिबिलिटी हिडन। तो ये पांच प्रॉपर्टी बेसिकली डिस्प्ले से रिलेटेड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले नन है। किस तरीके से वर्क करते हैं डिस्प्ले नन, मींस किसी भी चीज को हम हाइड कर सकते हैं, जिससे यूजर को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कोई आपका डेटा है, वो हाइड हो जाता है। उसका यूज हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले नन करने से कोई चीज हाइड हो जाती है, जब हम माउस होवर करते हैं तो वापस विजिबल हो जाती है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा गाइस कि डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक किस तरीके से और प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपको डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है, ब्लॉक कैसे काम कर रही है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कैसे काम कर रही है, वो सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ। कि डिस्प्ले नन का एक्चुअल में जो यूज होता है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए गाइस इसमें लगा के देखते हैं किस तरीके से काम हो रहा है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक H1 ले लेता हूँ, हेडिंग 1, और इसमें मैंने लिखा दिस इज हेडिंग 1 टैग समथिंग, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और पहले मैं डिस्प्ले नन आपको लगा के, अभी पहले मैं आपको पेज चला के दिखा देता हूँ, फिर डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टीज पे लगा के इसको हाइड करेंगे किस तरीके से डिस्प्ले नन इसको हाइड कर रहा है। तो इसको चला के देखेंगे, पहले हम अपना जो फोल्डर है उस पेज को एक बार रन करके देख लेते हैं। लाइक मेरा 12.html से है, मैं इसको मोज़िला फायरफॉक्स पे ओपन कर लेता हूँ, आप किसी भी ब्राउजर पे चला सकते हैं। तो अभी मेरी जस्ट हेडिंग 1 जो मैंने डाला है वो नॉर्मल इस तरीके से विजिबल हो रही है। अब मैं एक क्लास बना के इस पे लगाता हूँ, इंटरनल सीएसएस बेसिकली यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी तरह की सीएसएस यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैंने एक क्लास बना ली, वन नाम से ही एक क्लास बनाई है, और इसके अंदर
जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट वो लगा रहा हूँ डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन बेसिकली किसी भी चीज को हाइड करने के लिए, किसी भी टैग को हाइड करने के लिए यूज होता है। तो डिस्प्ले नन जस्ट लिख दिया। क्लास को कॉल कर लेते हैं। क्लास मैंने कॉल कर ली। आप देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये आपका डिस्प्ले नन की वजह से ये एक तरीके से हाइड हो गए हैं, पता भी नहीं चल रहा यहाँ कोई टैग लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में वो टैग प्रेजेंट करता है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मैं इसके ऊपर एक और टैग लगाता हूँ। दिस इज पैराग्राफ टैग लगा रहा हूँ। दिस इज सिंपल टैग लाइक समथिंग इस तरीके से लिख दिया। और इससे एक नीचे टैग लगा देता हूँ। दिस इज अनदर टैग समथिंग। मैंने वर्डिंग डिफरेंस कर दी। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपका फर्स्ट पी टैग और सेकंड इसके बीच में जो डाला हुआ है वो आपका जो एच वन हेडिंग में डाला है वो डिस्प्ले नन है। वो बिल्कुल भी यहाँ पता नहीं चल रहा है कि डिस्प्ले नन है, बस एकदम क्लियरिटी के उससे हटाता है। बट जो आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, विजिबिलिटी हिडन, वो किस तरीके से आपका हिडन करती है। डिस्प्ले नन जैसे वर्क करता है बट दोनों में डिफरेंस होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। विजिबिलिटी हिडन बेसिकली जो होता है वो आपका किसी भी टैग को हाइड तो करता है बट वो व्हाइट स्पेस एक छोड़ देता है, उसका जनरेट रहता है। तो वो मैं आपको एक बार लगा कर दिखाता हूँ किस तरीके से आपका काम कर रहा है। लाइक आपका डिस्प्ले नन को मैंने एक तरीके से कमेंट कर दिया, दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए पहले वही वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। डिस्प्ले जो नन है वो एकदम क्लियरिटी के साथ उस चीज को हाइड करता है किसी भी टैग को, बट विजिबिलिटी हिडन जो है वो किस तरीके से करता है वो आप देखिए एक बार। विजिबिलिटी हिडन मैंने लिखा वन नंबर वाली क्लास में, ये इसी पे लगाया हुआ है। अब आप देखिए, पहले जो था मैंने रिफ्रेश नहीं किया है तो जो आपका डिस्प्ले नन था वो एकदम क्लियरिटी के साथ, पता भी नहीं चल रहा कि इन दोनों टैग के बीच में कोई टैग है वो हाइड हुआ है। बट अब मैंने चेंज कर दिया है, विजिबिलिटी हिडन कर दिया है, तो उससे देखिए क्या फर्क पड़ेगा। आपका एक व्हाइट स्पेस आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि इसके बीच में कुछ स्पेस जनरेट हो गया, मीन्स आपका जो टैग है जो उसमें डिफॉल्ट स्पेसिंग ले रहा है वो आपकी मेंटेन रहा। तो विजिबिलिटी हिडन का यही एक तरीका है कि मतलब वो बेसिकली आपका स्पेस व्हाइट स्पेस छोड़ देता है बट डिस्प्ले नन नहीं छोड़ता है। तो गाइस ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों हाइड करते हैं बट दोनों के हाइड करने के तरीके में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई टैग आपके पैरेलली आते हैं लाइक एंकर टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया। मैं आपको थोड़ा सा स्पैन टैग भी अब यूज करके दिखाऊंगा, स्पैन टैग को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक इमेजेस हो गए, वो टैग जो इनलाइन कैटेगरी के टैग होते हैं जो बाय डिफॉल्ट लाइन ब्रेक नहीं करते, हम डिस्प्ले ब्लॉक लगा के उनकी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली इसलिए यूज होता है, मैं इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एंकर टैग बनाया HREF और इसके अंदर भी कोई लिंक नहीं लगा रहा हूँ, तो मैंने हैश लगा दिया और इसमें लिख दिया लाइक मेन्यू वन और एंकर टैग क्लोज करा। एक और एंकर टैग बना रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस दिखे कि आपका डिस्प्ले ब्लॉक कैसे काम करेगा। ये मेन्यू टू और ये मेन्यू थ्री, इस तरीके से मैंने तीन मेन्यू बना लिया, एंकर लगाया है। तो बाय डिफॉल्ट अभी कोई सीएसएस नहीं है, तो आपका होगा क्या, तीनों मेन्यू जो है आपके पैलर आ रहे हैं जो एंकर टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट मैं चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक हो जाए तो मैं BR तो HTML से लगा सकता हूँ, बट उसकी जगह पर हम डिस्प्ले ब्लॉक लगा सकते हैं CSS से अगर लगाना चाहते हैं। तो कैसे लगाएंगे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसके अंदर। लाइक मैं एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर क्योंकि एंकर टैग एक ही है आपको समझाने के लिए, आप चाहो तो क्लास भी यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर टैग पर उसको लगा सकते हो। तो बेसिकली डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है ये वाली ब्लॉक वाली किस तरीके से काम करेगी, डिस्प्ले ब्लॉक लिख दिया मैंने। अब डिस्प्ले ब्लॉक मीन्स इस पेज पर जो भी एंकर है वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर जाएगी। चेक करते हैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कैसे काम कर रहा है। तो अभी देखोगे तीनों एंकर टैग आपका लाइन ब्रेक कर गए हैं, एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। तो डिस्प्ले ब्लॉक हम तब लगा सकते हैं जब बेसिकली आपको लाइन ब्रेक करवानी होती है, तो हम डिस्प्ले ब्लॉक यूज करते हैं। एज वेल एज डिस्प्ले ब्लॉक का गाइस एक दूसरा यूज भी होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि जो कोई चीज हाइड होती है या डिस्प्ले नन बोल सकते हैं हम उसको कर सकते हैं, तो वो माउस होवर करने पे वापस जो विजिबिलिटी होती है वो डिस्प्ले ब्लॉक से ही विजिबिलिटी होती है। वो चीज कैसे काम करेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये सब देखने के लिए गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें आपको पूरा ये होवर इफेक्ट के साथ मेन्यू जो बनता है वो चीजें मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इसकी बात करूँ। डिस्प्ले में नन बता दिया आपको, विजिबिलिटी हिडन कैसे काम कर रहा है ये बता दिया, डिस्प्ले में अब इनलाइन कैसे काम करता है। इनलाइन बेसिकली आपका ब्लॉक का अपोजिट है, मीन्स जो टैग आपके बाय डिफॉल्ट आपके लाइन ब्रेक करते हैं उसको एक पैरेलल लाइन में लाना हो
तो बेसिकली हम उसके लिए इनलाइन यूज करते हैं। मैं उसको लगा के दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है इनलाइन। तो एक एचआर डाल देते हैं, पहले वालों से थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। मैं एक यूएल लिस्ट बना रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि ये आपका पैलर आएगी, इसलिए मैं यूएल टैग ले रहा हूँ। अनऑर्डर लिस्ट और एल आई ले लिए, लाइक मैंने रेड। ग्रीन मतलब सिंपल एक लिस्ट बना रहा हूँ तीन चार आइटम की, और आपका ब्लू एल आई में आपको जो भी और लेना, लाइक येलो ले लिया। तो जस्ट मैं ये चार आइटम्स मैंने डाल दिए, पहले मैंने कोई स्टेजेस नहीं लगाई, आपको दिखा देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट इस तरीके से आ रही है, बाय डिफॉल्ट वर्टिकल आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि एक पैलर में आ जाए, तो हम डिस्प्ले इनलाइन यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को पैलर करने के लिए। चाहता हूँ कि इस तरीके से काम कर रहा है, लाइक यूएल और के अंदर जो एल आई है, इस तरीके के हम आपका कॉम्बिनेटर बोलते हैं। ये चीज मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा गाइस कैसे होता है। आप चाहो तो क्लास बना के पर्टिकुलर एल आई पे भी कॉल कर सकते थे। मैं एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ कि यूएल के अंदर जो एल आई है उसका जो डिस्प्ले होगा वो आपका डिस्प्ले एक इनलाइन फॉर्म में हो जाए, मीन्स एक लाइन में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया, मीन्स जितने भी एल आई है जो वर्टिकल आ रहे हैं, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, ऐसे आ रहे हैं। अब वो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली एक लाइन में हो गए। तो बेसिकली हम इससे हॉरिजॉन्टल मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले इनलाइन आपका एक लाइन में करने के लिए काम आता है, ठीक है गाइस। अब जो नेक्स्ट है आपका इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक बेसिकली जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो भी कैसे बनाई गई है, आपका इनलाइन और ब्लॉक को यूज करके दोनों की प्रॉपर्टी बनाई है। क्योंकि इनलाइन की कुछ लिमिटेशन होती है और ब्लॉक की अपनी एक लिमिटेशन होती है, इन दोनों को कंबाइन करके नेक्स्ट एक अलग प्रॉपर्टी जनरेट कर दी, जिसको इनलाइन ब्लॉक बोलते हैं। ये कैसे काम करती है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। बेसिकली इसकी नीड क्यों पड़ी, पहले आपको वो समझना है कि इनलाइन की नीड आपको क्यों पड़ी है। तो पहले जैसे मैंने डिस्प्ले में इनलाइन लगाया हुआ है, अब मान के चलिए मैं इसके अंदर एक बॉर्डर लगा देता हूँ यूएल के अंदर एल आई में, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। सॉलिड रेड, मैंने रेड कलर का बॉर्डर लगा दिया एल आई पर। एक बार चेक करते हैं तो आपके बॉर्डर आ गए, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ पैडिंग लगा देता हूँ। पैडिंग मैंने लगाई इसके अंदर 20 पिक्सल। तो चेक करते हैं कि पैडिंग हमारी इसमें विजिबल हो रही है। तो पैडिंग भी इसमें ऑटोमेटिकली जो हमने लगाई वो आपकी इसके अंदर पैडिंग आ गई है। लाइक मैं इसके अंदर कुछ हाइट एंड विड्थ लगाता हूँ। तो मैंने हाइट लगाई इसकी लाइक 50 पिक्सल, एल आई की लगाई है बेसिकली। तो अभी तो हाइट इतनी पैडिंग लगाई है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसके, मीन्स उस पर वो नहीं लग पाई बेसिकली। अब मैं विड्थ लगाता हूँ लाइक 60 पिक्सल, सारे एल आई का विड्थ 60 पिक्सल दे रहा हूँ। तो गाइज ये देखिए, इसके अंदर जो मैंने हाइट एंड विड्थ लगाई है वो इसमें कॉल नहीं हो पा रही है, जस्ट जो लगा है वो पैडिंग लगा है। लाइक पैडिंग को मैं कमेंट करता हूँ, अभी जो हाइट एंड विड्थ आई है वो पैडिंग की ही आई है, इसमें हाइट विड्थ आपकी काम नहीं कर रही है। तो ये एक तरीके से इनलाइन के साथ प्रॉब्लम है कि इनलाइन जब डिस्प्ले हम लगाते हैं तो उसके साथ कई बार आपकी पैडिंग अप्लाई नहीं होती है, कई बार आपकी हाइट एंड विड्थ अप्लाई नहीं होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ब्लॉक प्रॉपर्टी के साथ इसको कॉम्बो कर दिया, जिसको हम इनलाइन ब्लॉक बोलते हैं। अब मान के चलिए जो ही मैंने इनलाइन लगाया था, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इनलाइन ब्लॉक, जो आपकी नेक्स्ट नई प्रॉपर्टी है। इसके साथ अब देखते हैं पैडिंग को, मैं अभी कमेंट रख रहा हूँ क्या हाइट विड्थ अब लग पा रही है, एक बार उसको चेक करते हैं। तो देखिए भाई इसके अंदर वो पैडिंग अप्लाई हो गई, मतलब जो हाइट एंड विड्थ मैंने डाली हुई है वो अप्लाई हो रही है। मीन्स इनलाइन ब्लॉक आपका हाइट एंड विड्थ जो इनलाइन काम नहीं कर पा रहा था उसको प्रॉपर काम करने दे रहा है। और मतलब ये किसके वजह से हुआ, जो ब्लॉक प्रॉपर्टी में हाइट एंड विड्थ अप्लाई हो जाती है वो इनलाइन के साथ भी हो रही है, इसलिए इनलाइन की लिमिटेशन को कम्प्लीट करता है इनलाइन ब्लॉक। तो एक सेपरेट नई प्रॉपर्टी बनाई है। बाकी अब इसमें आप पैडिंग भी ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने पैडिंग भी ऑन करा तो आपका पैडिंग भी अब इतना इसमें अप्लाई हो गया है। तो एक तरीके से गाइस हम ये समझ सकते हैं कि इनलाइन के साथ जो लिमिटेशन है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ इसको। इनलाइन के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कई बार जब भी कोई ऐसा मेन्यू बनाते हैं तो उसमें हाइट और विड्थ या कई बार पैडिंग भी देखा गया है कि इसमें अप्लाई नहीं होती है, तो उसमें पैडिंग और हाइट विड्थ अप्लाई हो जाए बेसिकली। तो इसलिए इसके साथ एक नई प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक का कॉम्बो लगा देते हैं, जिससे हाइट विड्थ और पैडिंग सब कुछ उसमें जो हमने लगाया है उस पर्टिकुलर एल आई पे वो अप्लाई प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी जो हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको कुछ स्पैन टैग का यूज करके दिखाऊंगा कि बेसिकली स्पैन टैग, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि स्पैन टैग का क्या काम है,
स्पैन टैग बेसिकली गाइस आपका जो होता है सीएसएस एक ही टैग में, जैसे मान के चलिए कोई आपने एक हेडिंग डाली और उसमें आप चाहते हो हाफ का कुछ इफेक्ट अलग आए और हाफ पैराग्राफ का इफेक्ट अलग आए, एक पैराग्राफ में अगर सीएसएस लगाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट आप स्पैन के अंदर डाल के लगाओगे तो ऐसा पॉसिबल है। स्पैन एक इनलाइन कैटेगरी का टैग होता है, मीन्स ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक नहीं करता, तो हम एक पैराग्राफ को दो स्पैन टैग में डिवाइड कर सकते हैं और अपनी मर्जी का इफेक्ट उसमें दोनों में हाफ हाफ पे लगा सकते हैं। ये चीज मैं आपको लगा के दिखाता हूँ जिससे आपको स्पैन टैग अच्छे से क्लियर हो जाए कि बेसिकली स्पैन टैग काम कैसे करता है। पहले गाइस मैं एक एचआर लगा लेता हूँ जिससे थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए, जो हमने ऊपर यूएल बनाया है। बेसिकली अब मैं एक लाइक मान के चलिए एक हेडिंग टैग ले लिया, अब इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक स्पैन टैग लिया। बेसिकली स्पैन टैग का यूज बता रहा हूँ कि सीएसएस में इसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है, कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो वर्ड डाल रहा हूँ, जैसे मैंने डाला ब्रिज और जस्ट इसको स्पैन को मैंने यही क्लोज कर दिया, और फिर मैंने डाला दूसरा स्पैन लेके स्पैन टेक्नोसॉफ्ट, और फिर मैंने स्पैन इसका क्लोज कर दिया। फाइनली मैंने जो मेरे H1 में मेन हेडिंग है कि पूरा दोनों H1 हेडिंग में, मतलब दोनों वर्ड को मैंने अलग अलग स्पैन में डाला, ब्रिज को एक अलग स्पैन में डाला और टेक्नोसॉफ्ट को एक अलग स्पैन पे डाला। तो अब मैं अगर पहले आपको कोई सीएसएस लगाने से पहले आपको एक बार इफेक्ट दिखा देता हूँ कि दोनों अभी H1 नॉर्मल H1 का इफेक्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट आता है दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट मैं बेसिकली करने के वाला हूँ ब्रिज को एक अलग सीएसएस इफेक्ट दूंगा और टेक्नोसॉफ्ट को एक अलग सीएसएस इफेक्ट दूंगा। दोनों स्पैन में अलग अलग है तो ये सीएसएस लगाना इस पर पॉसिबल है, क्योंकि जो भी आप क्लास आईडी या एलिमेंट आप बना के इस पर लगाना चाहो लगा सकते हो, ब्रिज पे अलग लगा सकते हो, टेक्नोसॉफ्ट पे अलग लगा सकते हो। स्पैन टैग इनलाइन कैटेगरी का टैग है, लाइन ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट पॉइंट हो जाता है स्पैन टैग का। तो अब मैं मान के चलो इसके अंदर मैंने एक क्लास बना ली लाइक ब्रिज नाम से, आप कोई भी क्लास बना सकते हैं। तो इसके अंदर मान के चलो मैंने इसमें कलर डाला, कलर मैंने इस पर रेड कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड भी अगर आपको डालना है तो बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड येलो डाल दिया, और एक मैं क्लास बना रहा हूँ टेक्नोसॉफ्ट के लिए, XYZ कुछ भी क्लास ले सकते हैं। इसमें मैंने कलर ब्लू लिया और बैकग्राउंड कलर मैंने इसके अंदर लाइक पिंक कर दिया, ठीक है। तो एक ब्रिज वाली क्लास बनाई, एक टेक्नोसॉफ्ट बनाई, तो मैं दोनों क्लास को पर्टिकुलर स्पैन पे कॉल करा देता हूँ, और टेक्नोसॉफ्ट वाली क्लास को टेक्नोसॉफ्ट वाली पे कॉल करा देता हूँ वर्ड पे स्पैन पे। तो आपको जो इफेक्ट इस पे लगाना हो वो आप लगा सकते हो। अब एक बार चेक करते हैं किस तरीके से आपके दोनों क्लासेस काम कर रही है। तो गाइस आप देखोगे कि दोनों की दोनों क्लास आपकी अलग अलग वर्ड पे आपकी इस तरीके से विजिबल हो रही है, लाइक ब्रिज पे येलो कलर आ रहा है बैकग्राउंड में और फोन कलर रेड आ रहा है, टेक्नोसॉफ्ट पे मैंने जो क्लास लगाई उसे बैकग्राउंड पिंक दिया और फोन कलर आपका ब्लू दिया है। तो इस तरीके से आप दो वर्ड्स को एक पैराग्राफ को कैसे भी कितने भी पार्ट में डिवाइड करके स्पैन टैग से पर्टिकुलर वर्ड को भी आप इफेक्ट दे सकते हो, पर्टिकुलर अल्फाबेट को भी आप इफेक्ट दे सकते हो। तो ये बेसिकली स्पैन टैग का यूज होता है। स्पैन टैग का आपको ध्यान ही रखना है इनलाइन टैग है, तो बेसिकली हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। गाइस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरीके से पूरा सीएसएस में आपको बताने वाला हूँ और आगे पूरी वेब टेक्नोलॉजी पूरी बताऊंगा इसके अंदर। गाइस प्रैक्टिस कीजिए, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।